उत्तर प्रदेश में सरकार की लाख शक्ति के बाद भी अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ये खबर हरदोई जिले की है। यहाँ चेकिंग के दौरान खनन अधिकारी की गाड़ी को रौंदने का प्रयास किया गया। मामले में पुलिस ने ट्रक सहित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरदोई में खनन निरीक्षक अमित रंजन टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। सुबह से मोरंग की मंडियों में ओवरलोड ट्रकों की आमद रहती है। पिहानी चुंगी पर शाहबाद की तरफ से आ रहे एक ट्रक को जब खनन अधिकारी ने रोकने की कोशिश की तो ट्रक चालक ने अधिकारी की गाड़ी को रौंदने का प्रयास किया। किसी तरह अफसर और उनकी टीम ने भागकर अपनी जान बचाई। हादसे से बचने के बाद खनन अधिकारी और उनकी टीम ने ट्रक का पीछा किया। करीब 20 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद बेहटा गोकुल इलाके में ट्रक को पुलिस की मदद से पकड़ लिया गया। पकड़े गए ट्रक चालक का नाम आसिफ बताया जा रहा है। इस बारे में एडीएम हरदोई संजय कुमार ने हमारे संवाददाता को इसकी विस्तृत जानकारी दी है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं एडीएम। ओवरलोडेड ट्रक जो मोरम से ओवरलोडेड ट्रक था जा रहा था और उसको खनन निरीक्षक द्वारा जांच के दौरान रोकने की कोशिश की गई तो उसने रोका नहीं बल्कि अपनी स्पीड बढ़ा दी और खनन निरीक्षक की गाड़ी को धक्का मारने का प्रयास किया और फिर इस क्रम में अगले थाने को अलर्ट किया गया। तत्काल 112 को फ़ोन किया गया। अगले पुलिस थाने को अलर्ट करके बैरियर लगा के उस ट्रक को पकड़ लिया गया। उसने खनन निरीक्षक के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का कुत्सित प्रयत्न किया जिसके क्रम में उसे पकड़ लिया गया। उसके विरुद्ध FIR थाना बेहटा गोकुल में दर्ज करा दी गई है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से है। यहाँ लॉकडाउन के दौरान अवैध खनन माफियाओं का बोलबाला है। पुलिस और खनन अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। ये मामला शाहजहांपुर के थाना सिंधौली पुबाया क्षेत्र के गांव मुडिया मोड़ का है। ग्रामीणों का आरोप है कि दिन रात अवैध खनन होता है लेकिन उसको रोकने वाला कोई नहीं है। किसान यूनियन नेता ने कहा कि अवैध खनन के कारण सड़कों पर कीचड़ हो जाने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। एक हफ्ते के दौरान कई माताओं की गोदें सूनी हो गई हैं। वहीं कई महिलाओं के मांग का सिंदूर उजड़ गया है। प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो है कि भट्टा मालिक खनन कराते हैं और शाम को करीब 8 बजे शुरू होता है, सुबह 6 बजे तक खनन होता है और रास्ते की इतनी दयनीय स्थिति है। अब मोटरसाइकिलें उसमें गड्ढों में गिर जाती हैं और आए दिन मौतें होती हैं, लोग टूट जाते हैं और इस पर प्रशासन कोई ध्यान, इसके बारे में कई बार मैं लिखित शिकायत भी कर चुका हूं और आज तक कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं की गई। अगर नहीं की जाती तो इसके लिए हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे जिसकी जिम्मेदारी सब शासन व प्रशासन की होगी। इससे पहले भी एक्सीडेंट हुआ था इस रूट पर, क्या माजरा था पूरा? अभी करीब 2 दिन पहले की ये घटना है कि एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे, वो मोटरसाइकिल फिसली, ट्रैक्टर के नीचे आ गई और उनकी मौके पे ही दर्दनाक मौत हो गई। और वो ट्रैक्टर जब तक उसने भगाया, ट्रैक्टर पे बैठे एक बुजुर्ग गिर गए, उनकी भी मौत हो गई। और इससे पहले कई लोग गिर के वो चुटैल हो चुके और जिनके की काफ़ी चोटें आई हैं। इसके लिए आज तक प्रशासन ने कोई बंदोबस्त या संतोषजनक कार्रवाई नहीं की है और नहीं करते हैं तो हम लोग एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। ये खबर बांदा जिले की है। शहर की भुरेड़ी सोना खदान में अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मोरंग की खदान में DM ने छापा मारा है जिसके बाद बड़े पैमाने पर खदान में अवैध खनन होते हुए मिला है। दर्जनों की संख्या में पोकलैंड मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा था। मामला संज्ञान में आया तो जिला कलेक्ट्रेट अमित बंसल ने पूरी फोर्स और जार मजिस्ट्रेट के साथ सोना खदान पर छापा मारा। छापेमारी में पाया गया कि खदान मालिक ने सीमा से बाहर अवैध रूप से 1 किलोमीटर तक नदी में खुदाई कर डाली है। कई जगह खदान मालिक ने कच्चे पुल बना रखे हैं। खदान में NGT के नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। NGT के स्पष्ट आदेश हैं कि पोकलैंड मशीन यूज नहीं कर सकते। बता दें कि खनन अधिनियम के तहत बांदा में बालू के पट्टे दिए गए थे। नियमावली के तहत रात्रि में खनन नहीं हो सकता है। इस बारे में हमारे संवाददाता ने जिलाधिकारी अमित बंसल से बात की। देखिए इस बारे में क्या कहते हैं जिलाधिकारी। जनपद बांदा के तहसील सदर में गांव मुरड़ी के सरदार में यहां पे पाया गया है बड़े पैमाने पर और बड़ी संख्या में ओवरलोड भी पाए गए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।